नमस्कार, मैं हूँ सौम्य राठी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार का तापमान काफी ज्यादा तेजी से गिर रहा है। कल गोपालगंज बिहार का सबसे ज्यादा ठंडा इलाका रहा है। बताते चले कि छठ पूजा के बाद से मौसम में होने वाले तापमान की इस गिरावट के बारे में मौसम विभाग के द्वारा पहले भी जानकारी दी गई थी और अब बिहार में ठंड ने अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया है। बिहार में सुबह और शाम की ठंड तो थी ही, लेकिन अब तापमान में काफी तेजी से गिरावट हो रही है। मौसम विभाग ने क्या कुछ जानकारी दी है, अब आपको आगे विस्तार में बताते हैं। बिहार में तापमान काफी तेजी से गिर रहा है। शनिवार को प्रदेश में गोपालगंज सबसे ठंडा स्थान रहा। वहां का न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा तक एक ट्रफ लाइन बन रही है, उसके कारण बिहार में आकाश में भी आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। इसी तरीके से स्थिति अगले दो दिनों तक बनी रहने की उम्मीद जताई गई है। उसके बाद राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश इलाकों के आकाश साफ हो जाएंगे। हालांकि इस दौरान तापमान में गिरावट का रुख बना रहेगा। मौसम विज्ञानियों की सलाह है कि सुबह शाम मौसम को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। सुबह शाम घर से बाहर निकलने पर गर्म कपड़े जरूर पहने। रात में खुले में बाहर रहना नुकसानदायक साबित हो सकता है। साथ ही साथ सुबह में धूप निकलने के उपरांत ही घरों से बाहर निकलना बेहतर रहेगा। जिस तरीके से बिहार में मौसम अचानक बदल रहा है, उससे बीमारियों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। इस तरीके से बदलते मौसम में कई सारी बीमारियां जो है वो लोगों को होने लगती है। ऐसे में ये जरूरी है कि मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, उसमें लोग अपने आप को लेकर, अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क रहे। और जैसा कि एडवाइस भी किया गया है कि सुबह शाम अगर अपने घर से निकल रहे हैं वो, तो उन्हें सर्दी के कपड़े पहनकर ही निकलना चाहिए और साथ ही साथ अपने घर को सुबह धूप निकलने के बाद ही छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर उन्हें किसी भी कारणवश सूरज उगने से पहले अपने घर को छोड़कर जाना पड़ रहा है, तो उन्हें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने आप को इस तरीके से ढक ले, इस तरीके से गर्म कपड़े पहन ले, ताकि उन्हें ठंड की वजह से परेशानियाँ ना हो, ताकि वो सर्दी की चपेट में ना आ जाएँ और अपने आप को मौसम बदलने के दौरान जो बीमारियाँ होती हैं उनसे भी सुरक्षित करें। बिहार में कुछ ही आने वाले दिनों में पूरे तरीके से ठंड आ जाएगी। जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है, काफी तेजी से तापमान में गिरावट कई इलाकों में देखे जा रहे हैं। लेकिन अभी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन बारिश होने की संभावना कम जताई जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में जहां तापमान में गिरावट होती रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ बादल भी पूरे तरीके से साफ हो जाने की बात मौसम विभाग के द्वारा कही गई है। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।